बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमतुल्स किचन। आज हम बनाएंगे क्लस्टर बीन या गंवार की फली। इसके लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है। मिर्च, हरी मिर्च दो तीन ली मैं, कोतमीर है ये आधा बंच है, अदरक लहसुन, हल्दी, मिर्ची, नमक, एक डली मीडियम साइज़ की प्याज है, और ये तिल है जो कि मैं इसको रोस्ट करके रख ली। मैं इसको बाद में पेस्ट बना के इसमें ऐड करूँगी। चलिए मैं इसको अब काट के दिखाती हूँ आपको। ये तिल है देखिए, इसका जो मैं आपको भून के बताई थी उसको पेस्ट बना के रख ली मैं। गंवार की फली जो थी मैं आपको पहले दिखाई थी वो उसको काट के रख ली मैं, उसके पीसेस ये साइज़ के बनाई मैं। अब ये जो है ये मोटी है, इसके साइड्स निकालना ज़रूरी रहता। अब ऐसी मोटी रही तो आप साइड्स निकालिए उसके। ये जो पहले काट के दिखाई मैं वो बारीक थी, कौली थी, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैं नहीं निकाली। अब इसके हमको निकालना पड़ेगा, इसको निकाल के हम इसके पीसेस बना लेंगे। जो भी मोटे रहते उसके साइड्स निकाल देना। अब मैं इसको कैसा बनाएंगे बताती हूँ आपको। इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा ऑयल गर्म होने देंगे, फ्लेम सिम पे है। उसके बाद हम ऑनियन ऐड करेंगे, गरम हो गया। इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। चलिए देखिए प्याज लाल हो गई, अब इसमें हम इसको अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, मिर्ची, हल्दी, नमक और ये हरी मिर्च ऐड करते हैं। फ्लेम सिम पे फ्लेम है तो टेस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर एक दो तीन मिनट भून के इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। अगर ये गंवार की फली अगर कौली है तो पानी थोड़ा कम ऐड करना, अगर थोड़ी हार्ड है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करना। देखिए आप ऐसा थोड़ा सा डूबे इतना बस है। अब इसको कुकर लगा देंगे। चलिए देखिए मैं चार सीटियों के बाद इसको खोल ली। अब इसको चेक करके देखते हैं हम गली या नहीं गली फली। देखिए गली, तो थोड़ा मिक्स करके इसके अंदर हम इसे फिर जो तिल का पेस्ट बना के रखे थे हम वो लगा देंगे। थोड़ा कोतमीर ऐड करेंगे। अब इसको हम भूनेंगे जब तक ये पानी पूरा ड्राई ना हो। और ये जो तिल डाले थे हम उसकी वो भी चली जाएंगी, उसकी स्मेल जो कच्ची स्मेल आती है वो स्मेल चली जाती है इससे ऐसे भूनने से। चलिए कंप्लीट हो गया, ये पानी ड्राई हो गया इसका। अब इसको स्टोव ऑफ कर देंगे, इसको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। गंवार की फली का सालन रेडी हो चुका है। आप बनाइए, खाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।